हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन टावर के बारे में। तो आज हम इस इवोल्यूशन टावर की मॉडलिंग करने वाले हैं अपने ई टैब सॉफ्टवेयर में। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारे पास यहाँ पे ई टैब सॉफ्टवेयर है 2016। तो आप इस मॉडल को किसी भी सॉफ्टवेयर वर्जन में बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले बता देता हूँ। तो आप लोग जैसे यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, तो इस स्ट्रक्चर का नाम है इवोल्यूशन टावर, और इसमें मैं यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस देख सकता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसको बनाना, तो आज मैं इसकी मॉडलिंग करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा कि हम इस पे कैसे लोड को अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल आज इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी मॉडलिंग करने वाले हैं। तो चलिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारी कंस्ट्रक्शन फोटो है, तो आज हम इसी स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो आप लोग को जैसे बड़ी इसकी डिफरेंट और इमेजेस देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसकी और इमेजेस देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो इसके बाद आप यहाँ से इसकी काफ़ी सारी इमेजेस देख पाएंगे। आप लोग यहाँ पे इसकी हाइट और जो भी इसकी डायमेंशन है, आप यहाँ पे बेसिक इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 246 मीटर। तो हम लगभग इन्हीं इस हाइटों के हिसाब से इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें अपने सबसे पहले अपने ई टैब सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ आने के बाद आपको न्यू मॉडल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप न्यू मॉडल पे क्लिक करोगे, तो आपके पास जनरल इस तरीके का टैब खुलता है। तो कॉमनली तो आपको फिर से थर्ड ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, जैसे कि अभी तक हम अपने प्रीवियस वीडियोज में करते आ रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ से बेसिक जो यूनिट्स वगैरह हैं, इनके डाटाबेस और फिर कोड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास यहाँ पे ग्रिड को बनाने के लिए यहाँ से एक टैब खुल जाएगा। तो यहाँ से हम अपनी ग्रिड को बनाने वाले हैं। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नंबर ऑफ ग्रिड पूछा है इसने एक्स डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रिड डाल दूंगा एक्स डायरेक्शन में, जो कि मैं लेने वाला हूँ 9। इसी तरीके से मैं वाई डायरेक्शन में भी मैं यहाँ पे 9 ग्रिड लूंगा, और जो हम इनके बीच में स्पेसिंग रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं 22.75 फीट। तो हम इतनी ही स्पेसिंग पे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन पे इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो कि मीटर में आएगी 6.93 मीटर। तो मैं इसको यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देता हूँ, 6.93 मीटर। तो यहाँ से मीटर को इसको नहीं लिखना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद हमें दूसरे इसमें आना है, और इसमें आने के बाद हमें क्या करना है, जैसे ही आप लोग देखोगे मैं इसको इंच में लिखूंगा, तो हम इसमें डायरेक्ट ही हमारा मीटर में इसको चेंज कर देगा। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे इंच में भी लिख के दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने 22.75 फीट लिखा, तो फीट में अब जैसे मैं इसको अलग दूसरे ऑप्शन में जाऊँगा, तो ये अपने आप ही इसको कन्वर्ट करके मीटर में कर देगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपने, यहाँ पे भी हमने पहले से यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करके डाला था, तो यहाँ पे हमने इसको फीट में डाला था, तो इसने इसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए मैं यहाँ पे भी इसकी पूरी वैल्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 42। तो चलिए, इसके बाद अगर हमें बात करनी है इसकी स्टोरी के बारे में, तो हम इसकी जो स्टोरी रखने वाले हैं वो होंगी हमारी 55 स्टोरी। तो मैं यहाँ पे इसको 55 लिख दूंगा। और जो हमें इसकी हाइट रखनी है हर एक पर्टिकुलर स्टोरी की, या फिर मतलब सभी स्टोरी की, तो आप बॉटम स्टोरी की हाइट को भी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैं जो हाइट रखने वाला हूँ वो मैं दोनों की बराबर ही रखने वाला हूँ सभी के लिए। तो जो कि हमारी कितनी होगी, 15 इंच, मतलब 15 फिट, सॉरी। तो मैं यहाँ पे जो हाइट रखने वाला हूँ अपनी स्ट्रक्चर की, वो हमारी होगी 15 फिट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 15 फिट। तो आप लोग जैसे देखोगे मैंने यहाँ पे फिट का सिंबल लगाया। उसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट इसमें कॉलम में आऊँगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ऑटोमेटिक मीटर में चेंज हो चुका है। तो आप लोग इस ये वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट भी डाल सकते हो, तो 4.572 मीटर। तो इस तरीके से हमें इस अपने ग्रिड प्लान को बनाना है, और हमें सिंपल अपने ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम ओके करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इधर 2D फिगर आएगा हमारे इस प्लान मतलब स्ट्रक्चर का, और इधर ही आएगा हमारा 3D। तो वेट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर की जो मॉडलिंग है वो लगभग मतलब एक 2D व्यू में आ चुकी है। तो हमें इसको पूरी तरह से अब इस पे मटेरियल्स को अप्लाई करना है। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मटेरियल्स को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मटेरियल्स को डिफाइन करना होता है। तो
मटेरियल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मटेरियल को डिफाइन करना होता है, फिर इसके बाद हम इस अपने स्ट्रक्चर पे इसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसमें हमें सबसे पहले अपने डिफाइन सेक्शन पे जाना है। डिफाइन सेक्शन पे जाने के बाद आपको मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। तो यहाँ से हम अपनी मटेरियल्स को डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ से हम अपने कॉन्क्रीट के मटेरियल को डिफाइन करेंगे और इसकी रीबार के मटेरियल को भी डिफाइन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम अपने ऐड न्यू मटेरियल में जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद अपना रीजन सेलेक्ट करना है। तो जो कि मैं यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके बाद हमें आना है मटेरियल टाइप में। तो मैं यहाँ पे कॉन्क्रीट लूँगा। कॉन्क्रीट लेने के बाद आप यहाँ से इंडियन सेलेक्ट करके रखना है और फिर मैं यहाँ से अपनी कॉन्क्रीट का ग्रेड चूज़ कर लूँगा। तो मेरे पास इसका एक फिक्स डेटा नहीं है, तो मैं यहाँ पे M40 यूज़ करने वाला हूँ। आप लोग कोई भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं M40 करके चलता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद हमें फिर से ओके करना है। उसके बाद हमें ऐड न्यू मटेरियल पे फिर से आना है। तो फिर से आने के बाद अब हमें क्या करना है, इसकी रीबार की जो मटेरियल प्रॉपर्टी है उसको यहाँ से बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो स्टील यूज़ करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ 500 HYSD 500, या फिर आप लोग 550 भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 550 कर लेता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, ओके करना है। तो आप लोग देखोगे कि हमारा यहाँ पे ये आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ से ये हमने दोनों डिफाइन कर लिए हैं, स्टील के लिए भी और कॉन्क्रीट के लिए भी। इसके बाद हमें जैसे ही हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके लिए सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना होगा, मतलब फ्रेम मॉडल हमें यहाँ पे इसको डिफाइन करना होगा। फ्रेम मॉडल में क्या होगा हमारा, इसके कॉलम और बीम को हम डिफाइन करेंगे, इनके क्या क्या साइजेस हमें रखने हैं और स्लैब हमारी कितनी थिकनेस की हमें रखनी है। तो हम इसमें बीच में एक शेयर वॉल भी बनाने वाले हैं। ये शेयर वॉल हम किस लिए बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें अपनी लिफ्ट का पोर्शन बनाने वाले हैं। तो लिफ्ट एरिया को लगाने के लिए हमें इसमें स्लैब मतलब एक शेयर वॉल को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट सिंपल डिफाइन में आना है। डिफाइन में आने के बाद आपको सेक्शन प्रॉपर्टी में आना है और फ्रेम सेक्शन पे आना है। तो जैसे आप फ्रेम सेक्शन पे आओगे, आपको यहाँ से ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे आना है और यहाँ से हम अपनी सेक्शन को चूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉलम या फिर बीम लेने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर कॉलम चूज करूंगा। तो यहाँ से रेक्टेंगुलर कॉलम चूज करने के बाद आप यहाँ पे इसकी सबसे पहले यहाँ पे इसका नाम डाल दोगे। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसका नाम कॉलम। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको कॉलम लिख दिया। और जो मैं इसकी डायमेंशन रखने वाला हूँ वो मैं रखने वाला हूँ 900 × 900। तो हमें यहाँ से इसकी मटेरियल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे M40 यूज़ किया है। इसके बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद हमें डायरेक्ट यहाँ पे आना है, जो कि हम यहाँ पे अपनी सेक्शन की डायमेंशन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो हम जो सेक्शन की डायमेंशन है मैंने आपको बताया 900 × 900 रखने वाले हैं हम। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं यहाँ पे मैं 900 लिख चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे भी 900 लिख देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 900 आ चुका है। इसके बाद हमें इसकी मॉडिफायर को ऑन करना है और यहाँ से हम इसके टॉर्जन कॉन्स्टेंट को और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ से चेंज करेंगे IS कोड 1893/2016 के हिसाब से। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मतलब 1893/2016 के हिसाब से जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, 0.7। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0.7। इसीलिए फिर मैं इसको टैब दबाऊंगा तो मैं यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो जाऊँगा नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो में। इसके बाद यहाँ पे मैं फिर से 0.7 डाल दूंगा और इस थर्ड ऑप्शन में भी मैं 0.7 डाल दूंगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ओके क्लिक करना है। तो जैसे हम ओके करेंगे हमें फिर से मॉडिफायर नीचे आना है रीबार सेक्शन में। तो यहाँ से आने के बाद आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि हम यहाँ से कॉलम को डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से कॉलम सेक्शन पे क्लिक करना चाहिए। अगर हम बीम करते तो हमें यहाँ से बीम पे सेलेक्ट होना चाहिए था। तो चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम अपनी लॉन्गिट्यूडिनल बार की रेनफोर्समेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम अपने टाइल्स को भी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने टाइल्स के लिए दूसरा कोई स्टील का ग्रेड यूज़ किया है मतलब डिफाइन किया है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग अगर वहाँ से नहीं किया है तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट जाके यहाँ से दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए एक बार यहाँ से कर लेता हूँ। तो रीबार में जाना है और फिर इसके बाद आपको आना है 415 पे। तो जैसे हम 415 पे आएंगे हमें ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से ओके करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 415 आ चुका है। तो हमें फिर से ओके करना है। तो हम जो इसमें टाइज यूज़ करने वाले हैं 415 की करने वाले हैं। इसके बाद हमें यहाँ से रेक्टेंगुलर रखना है और फिर ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से ओके करना है। तो आप लोग देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम आ चुका है, जो कि क्या है, रेक्टेंगुलर कॉलम है 900 × 900 mm का।
तो आप इससे ग्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम अगर हमारा ये कॉलम फेल हो जाएगा इसको डिज़ाइनिंग करते वक्त, तो हम इसके साइजेस को बढ़ाएंगे, नहीं तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट साइजेस पे इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो आज तो हम इस पर सिर्फ मॉडलिंग करने वाले हैं, तो इसलिए हम इस पर आज डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा 900x900 mm इस पर पास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं इसमें और अपने सेक्शंस को डिफाइन कर लेता हूँ। तो और सेक्शन हमें मान लीजिए एक और मतलब ये जो मैं 900 वाला जो कॉलम है ये मैं आपके इसके पूरे स्ट्रक्चर में मिड में लगाने वाला हूँ, और जो मैं कॉर्नर पे लगाने वाला हूँ वो मैं डिफरेंट साइज का लगाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो हमारा थंब रूल होता है, जो हमारे कॉर्नर के मतलब कॉलम होते हैं वो हम साइजिस में कम लेते हैं, और जो मिडिल वाले होते हैं उनको हम ज़्यादा के लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कॉर्नर वाले को कम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसके लिए फिर से ऐड न्यू प्रॉपर्टी में जाना है और कॉन्क्रीट वाले को सेलेक्ट करना है। तो हम कॉन्क्रीट में रेक्टेंगुलर को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे फिर से हमें कॉलम लिखना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी लिख देता हूँ, और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ इस बार, तो चलिए मैं यहाँ पे 700 का ले लेता हूँ बाहर की तरफ। तो 700 लेने के बाद मैं इसको इनटू फिर से 700 करूँगा। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ से हम अपने मटेरियल की प्रॉपर्टी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हमने जैसे पहले किया था वो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को डाल दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। फिर हमें फिर से मॉडिफायर में आना है, और मैं यहाँ पे इसकी टॉर्शनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू को चेंज करने वाला हूँ IS 1893 2016 के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे फिर से 0.7 चेंज करूँगा, और फिर से 0.7। तो इसके बाद हमें ओके करना है, और फिर इसके बाद हमें इसकी रेनफोर्समेंट को भी चेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ 550 और 415 टाइल्स के लिए। तो हमें फिर से ओके क्लिक करना है, और फिर ओके क्लिक करना है। तो अब मैं आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ पे इसके कवर को चेंज करना है तो आप यहाँ से कवर भी चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपको इसमें चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, या फिर आप इसको बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर पे छोड़ दीजिए, अपने आप इसके हिसाब से डिज़ाइन कर देगा। तो चलिए फिर मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो कॉलम आ चुके हैं। एक आ चुका है हमारा ये मतलब मिडिल के जो मैं कॉलम यूज़ करने वाला हूँ, और ये आ चुका है हमारा कॉर्नर वाला। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने नेक्स्ट मतलब इसको ओके करना है, या फिर चलिए मैं यहाँ से अपनी बीम की प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कर लेता हूँ साथ ही। तो हमें बीम भी इसमें लगाने हैं, तो बीम लगाने के लिए मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे आऊँगा, और फिर से कॉन्क्रीट सेक्शन पे सेलेक्ट करूंगा। तो जैसे ही आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे आया, फिर मैं यहाँ पे इस बार लिखने वाला हूँ बीम, और जो मैं इस बार डिफाइन करूंगा बीम वो मैं करने वाला हूँ 700x500। तो चलिए मैं 500 का ले लेता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से आना है और M50 ग्रेड को सेलेक्ट करना है, और मैं यहाँ पे जो इसकी डेप्थ रखने वाला हूँ वो मैं रखने वाला हूँ 500, और विड्थ जो रखने वाला हूँ वो मैं रखने वाला हूँ 700। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ से इसको चेंज कर दिया, और जो मैं बीम के लिए जो मॉडिफायर मैं यूज़ करूँगा वो मैं करने वाला हूँ 0.35। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0.35। तो ये IS कोड के हिसाब से है, तो 0.35। तो फिर से हमें चेंज करना है 0.35। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया, फिर ओके करना है, फिर इसके बाद मॉडिफाई में आना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इस बार मैं बीम को डिफाइन कर रहा हूँ, तो बीम की डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ से बीम को सेलेक्ट करना है, और यहाँ से हम इसकी रेनफोर्समेंट की जो वैल्यूज़ है वो मैं यहाँ से पुट कर दूंगा। तो वही हमें मतलब लॉन्गिट्यूडनल बार को मैं 550 का लूंगा, और जो हमारी टाइज है उनको मैं लेने वाला हूँ 415। इसके बाद जो आप इसका जो मतलब कवर रखने वाले हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 30 mm का कवर रखने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे बॉटम में भी रखने वाला हूँ 30 mm का। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आप फिर से ओके करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी डिफाइन हो चुकी हैं, मतलब दोनों कॉलम हो चुके हैं और एक हमारा बीम हो चुका है। तो इसके बाद हमें ओके करना है। ओके करने के बाद आपको आना है यहाँ पे फिर से डिफाइन में। तो इस बार चलिए हम स्लैब को डिफाइन कर लेते हैं। तो स्लैब को डिफाइन करने के लिए हमें फिर से सेक्शन प्रॉपर्टी में आना है, और स्लैब सेक्शन पे आना है। तो स्लैब सेक्शन पे आने के बाद आपको स्लैब वन को ही मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ। अगर आपको न्यू क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से मॉडिफाई करने के बाद आप यहाँ से इसका नाम डाल सकते हैं, या फिर मैं इसको यही रहने देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से मटेरियल को M40 चूज़ करना है। M40 चूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से मॉडिफायर में आना है। मॉडिफायर में आने के बाद आपको यहाँ से आना है मॉडिफायर में। तो यहाँ से आने के बाद आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं 2016 के हिसाब से। तो चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ 0.25। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सभी में।
तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद अब अगर जो आप इसकी थिकनेस लेना चाहते हैं, तो जो भी आप इसकी स्लैब की थिकनेस लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 200 mm की, या फिर चलिए 300 mm की मैं यहाँ पे स्लैब यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हैवी है, तो इसलिए जो मैं मटेरियल लेके चल रहा हूँ वो मैं थोड़ा हैवी लेके चल रहा हूँ, ताकि इसमें फेलियर के चांसेस हमारे कम हो। तो चलिए मैंने यहाँ पे 300 mm ले लिया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से मुझे ओके करना है, तो फिर आना है मैं डिफाइन में, और इस बार मैं शेयर वॉल को यहाँ से डिजाइन करने वाला हूँ, मतलब डिफाइन करने वाला हूँ। तो शेयर वॉल को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है, वॉल सेक्शन पे आना है। वॉल सेक्शन पे आने के बाद आपको यहाँ से इसको मॉडिफाई करना है। यहाँ से मॉडिफाई करने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ से चेंज करना है मटेरियल को, तो मैं यहाँ पे 400 ले लूँगा। और यहाँ से 400 लेने के बाद आपको सिंपल इसको यहाँ पे थिकनेस डालनी है। तो जो मैं थिकनेस लेने वाला हूँ वो मैं लेने वाला हूँ यहाँ से, चलिए 250 रहने देते हैं। तो 250 रखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसको ओके करना है। तो ओके करने के बाद हमें फिर से ओके करना है, तो आप लोग देखोगे कि हमारा यहाँ से शेयर वॉल भी डिफाइन हो चुका है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसमें अपने कॉलम की प्लेसिंग को सेट कर लेते हैं। तो जो हमें अपने कॉलम लगाने हैं, मतलब 900x900 वाले, वो हमें लगाने हैं मिड में, और जो हम लगाएंगे मतलब 700 वाला जो लिया था हमने, वो लगाएंगे हम अपने कॉर्नर पे। तो उसको मैं बाद में लगाने वाला हूँ, फिलहाल मैं इसके बीच में अपने कॉलम्स को लगा लेता हूँ। तो इस कॉलम को लगाने के लिए मैंने आपको बताया क्विक ड्रॉ कॉलम पे आना है। क्विक ड्रॉ कॉलम पे आने के बाद आपको यहाँ से प्रॉपर्टीज को यहाँ से चेंज करना है, और यहाँ से जो हमने अपने कॉलम को डिफाइन किया है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे 900x900 कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ से इसकी स्टोरी को चेंज करना है, तो मैं यहाँ से सिमिलर स्टोरी कर लेता हूँ। तो सिमिलर स्टोरी में चेंज करने के बाद आप इस तरीके से सभी कॉलम की प्लेसिंग को कर सकते हैं। तो आप लोग जैसे इस तरीके से क्लिक करोगे, ये हमारे सारे कॉलम बन जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इधर ये हमारे कॉलम आ चुके हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हम इस पे मतलब अपनी बीम्स को लगाएंगे। तो बीम लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बीम सेक्शन पे आना है। तो बीम सेक्शन पे आने के बाद आपको, चलिए पहले बीम सेक्शन को नहीं लगाते हैं, पहले इस पे हम क्या करते हैं, मतलब शेयर वॉल लगाएंगे, और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इस पे हम इसके बीम लगाएंगे। तो शेयर वॉल लगाने के लिए हमें सबसे पहले अपने इन अपने कुछ जो हमारे एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं मिड में, इनको हम लगाने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा कॉलम लगाने के लिए हमें क्या करना है, तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा बन चुका है हमारा। तो चलिए फिर मैं इस पे बीच में से अपने कुछ कॉलम की जो प्लेसिंग है इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो रिमूव करने के लिए हमें सिंपल इस तरीके से अपने कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट इस तरीके से जैसे आप इसको रिलीज करोगे अपने माउस के बटन को, तो फिर इसके बाद हमें डिलीट बटन दबाना है अपने कीबोर्ड से, तो ये हमारे कॉलम जो है हमारे रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए मैं इस पे अब अपनी शेयर वॉल को प्लेस कर लेता हूँ। तो शेयर वॉल को लगाने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्विक ड्रॉ वॉल्स में आना है। तो क्विक ड्रॉ वॉल पे आने के बाद आपको यहाँ से प्रॉपर्टी को वॉल की सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वॉल वन सेलेक्ट करके रखा था, तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे अपनी हमें शेयर वॉल लगानी है। तो मैं इस तरीके से सभी जगह लगा लूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं मुझे वन बाय वन इसी तरीके से सभी को सेलेक्ट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी शेयर वॉल को प्लेस कर लिया है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, अपनी स्लैब को लगाएंगे। तो स्लैब लगाने के लिए हमें इस कमांड से बाहर जाना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इस कमांड से बाहर आ चुका हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से स्लैब सेक्शन लूँगा, यहाँ से ड्रॉ स्लैब। तो जो हम स्लैब लगाने वाले हैं वो हम ड्रॉ करने वाले हैं, और जो हम यहाँ से प्रॉपर्टी लेंगे वो हम अपनी जो हमने डिफाइन की थी वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से स्लैब वन के नाम से अपनी प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट की थी, तो मैंने यहाँ से इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, और फिर इस तरीके से हम अपनी स्लैब को क्रिएट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमें कॉर्नर टू कॉर्नर अपनी स्लैब को अच्छे से पिक करना है, ताकि कोई गलती ना हो। तो इस तरीके से हम इसको जूम करेंगे। जूम करने के बाद हमें अच्छे से सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर गलती हुई तो फिर हमें दोबारा से अपने स्ट्रक्चर को बनाना होगा। तो इसलिए हमें काफ़ी केयरफुली इसको सेलेक्ट करना है पॉइंट्स को। आप लोग देख सकते हैं ये वाला हो चुका है हमारा, और ये लास्ट हमारा पॉइंट मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा।
तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारी स्लैब थी वो यहाँ पे लग चुकी है। तो चलिए अब हमें क्या करना है इस पे, अब हम अपने बीम को अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सिमिलर स्टोरी करके रखा था, तो हमें बस इसमें मतलब बेस में हमारी स्लैब नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से ऑल स्टोरी करके ये सब यूज़ करते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे सिमिलर स्टोरी करके रखा था, तो इसलिए हमारे बेस में ये स्लैब नहीं क्रिएट हुई होगी। तो अगर आप लोग यहाँ पे ऑल स्टोरी करके करते हैं ये सब, तो यहाँ पे बेस में अगर आपकी आ जाती है तो आप इसको डिलीट कर लेना। फिर इसके बाद फिर से कमांड से बाहर जाना है, और इस बार अब हमें क्या करना है, अपने बीम सेक्शन को लेना है। तो यहाँ से मैं बीम कर्सर को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। तो जो हमने बीम लिया था वो लिया था हमने 700 × 500। तो इस बार जो हम बीम यहाँ से लगाने वाले हैं, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से इसकी लाइन को लगा देना है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से दोनों साइड इसके बीम्स को लगा लेंगे, दोनों साइड बीम्स को लगा लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों बीम को लगा लिया है। अब चलिए इसमें अब हमें क्या करना है, इसमें हमें कॉर्नर के जो भी हमारे कॉलम है इनको हम डिलीट करेंगे। तो इन कॉर्नर के जो कॉलम है इनको डिलीट करने के लिए हमें यहाँ से इस कर्सर में आना है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में आने के बाद आपको इस तरीके से सारे कॉर्नर वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं मतलब कॉलम है उनको सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको सभी को डिलीट कमांड से डिलीट कर देना है। तो डिलीट कमांड मतलब हमें अपने कीबोर्ड से सिंपल डिलीट प्रेस करना है। तो जैसे आप डिलीट प्रेस करोगे आपके सभी कॉर्नर के जितने भी कॉलम हैं वो हमारे डिलीट हो जाएंगे। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं हमारा इसमें लगभग आधा काम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हमें क्या करना है इसमें, अब हम इसमें रेप्लीकेट कमांड को यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा था ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये कुछ स्पायरल शेप में है इस तरीके का, तो हमें इस तरीके का करने के लिए हमें रेप्लीकेट कमांड का यूज़ करना होगा, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे अपनी पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब हर एक स्टोरी को हमें कुछ एंगल पे इसको ट्विस्ट करना है। तो मैं आपको बताऊंगा हमें इस तरीके से इसको किस तरीके से ट्विस्ट करना है। तो हम इसके लिए हमें फिर से ई टैब्स में आना है। ई टैब्स में आने के बाद आपको यहाँ से आने के बाद आपको इसकी स्टोरी 1 पे आ जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हम स्टोरी 55 पे हैं, तो हमें इसको ट्विस्ट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर हर एक स्टोरी को ट्विस्ट करना होगा। तो हमें क्या करना है, इसकी फर्स्ट स्टोरी पे शिफ्ट होना है। तो फर्स्ट स्टोरी पे शिफ्ट होने के लिए आप यहाँ पे जो मूव अप वाला लिस्ट है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे 0 पे, फिर मतलब बेस स्टोरी पे। फिर इसके बाद जैसे हम फिर से क्लिक करेंगे तो आप स्टोरी 1 पे आ जाओगे। तो अब हमें सिंपल एडिट पे आना है। एडिट पे आने के बाद आपको रेप्लीकेट कमांड यहाँ पे शो हो रही होगी, तो आप इस रेप्लीकेट कमांड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप रेप्लीकेट कमांड पे क्लिक करोगे, तो जैसे कि मैंने अभी आपको इमेज दिखाई, तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो ये जो हमारी स्टोरी है ये 180 डिग्री से रोटेट है, तो मैं इसको अपनी स्टोरी को 180 डिग्री में रोटेट करने वाला हूँ बेस से। तो मुझे हर एक स्टोरी को कुछ एंगल पे रोटेट करना होगा ताकि मैं इसको ऊपर तक 180 डिग्री तक रोटेट कर पाऊँ। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें आना है रेडियल में। तो रेडियल में आने के बाद आपको यहाँ से एंगल डालना होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमें किस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है। तो अगर हमें 180 डिग्री इस पूरी स्टोरी को मतलब पूरी बिल्डिंग को रोटेट करना है, तो हमें एक हर एक पर्टिकुलर हर एक स्टोरी को कुछ एंगल पर रोटेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 180 को डिवाइड करेंगे 55 से, क्योंकि हमारी जो नंबर ऑफ स्टोरी है कितनी है, 55। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी -3.273। तो हम इतने डिग्री पे इसको रोटेट करने वाले हैं, और हर एक स्टोरी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारी जो ऊपर तक ये स्टोरी रोटेट होगी वो कितनी हो जाएगी, फिर 180। तो चलिए मैं इसको रोटेट करता जाता हूँ धीरे धीरे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को डालना है। तो वैल्यू डालने के लिए मुझे यहाँ पे माइनस लगाना होगा। तो हमारी क्या वैल्यू आई है, 3.273। तो आप लोग देख सकते हैं, आप जैसे ही डिवाइड करोगे इसको 180 से 55 स्टोरी को, तो आपकी ये वैल्यू आएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक मार्क रखना है डिलीट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो जैसे आपको इसको आप नहीं रखोगे तो आपकी स्टोरी रोटेट तो हो जाएगी, लेकिन जो पुराने वाली है वो डिलीट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करके रखना है। और फिर आपको यहाँ से हमेशा याद रखना है कि आपको यहाँ पे 1 स्टोरी क्लिक करके रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिमिलर या फिर ऑल स्टोरी क्लिक करके रखोगे तो आपकी सारी स्टोरी एक बार में रोटेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा ये इस तरीके का सेक्शन शो नहीं हो पाएगा। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें हमेशा याद रखना है कि हमें 1 बाय 1 सभी स्टोरी को यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे अभी स्टोरी 1 में हूँ,
तो हमें अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है पूरी तरीके से इस तरीके से। तो आप लोग देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पे इसको पूरी तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। तो आप लोग इस तरीके से पूरी स्लैब को, मतलब स्टोरी वन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपके पास इस तरीके से शो करेगा कि कितने डिग्री में, मतलब इसका एंगल शो कर देगा। तो ये जो एंगल है ये है हमारा 3.273। तो जैसे हम इस पर अप्लाई करूँगा मैं, तो अप्लाई करते ही ये हमारी स्टोरी रोटेट हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं रोटेट हो गई है। इसके बाद हमें फिर से एरो में स्टोरी टू पे आना है। तो स्टोरी टू पे भी आने के बाद आपको अपनी स्टोरी को इस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप अपनी स्टोरी को सेलेक्ट करोगे, तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपको अच्छे से सेलेक्ट करना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी इस तरीके से स्टोरी ये सेलेक्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बार हमें इस एंगल को नंबर ऑफ स्टोरी से मल्टीप्लाई करते रहना है। तो चलिए फिर मैं इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ से। जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा, आप लोग देखेंगे कि हमारा जो स्टोरी है वो रोटेट हो चुकी है। तो आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं आसानी से। इसके बाद हमें फिर से स्टोरी 3 में आना है और फिर से इस स्टोरी को सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे, इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी पुरानी वाली वैल्यू को डालना है माइनस के 3.273 इंटू। हमें इस बार क्या करना होगा, स्टोरी मतलब 3 पे है तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो जैसे ही हम इस पे 3 से मल्टीप्लाई करके इसको अप्लाई करेंगे, तो आप लोग इसको इस तरीके से रोटेट कर पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने नंबर ऑफ स्टोरी 3 को तक हमने रोटेट कर लिया। तो आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एंगल दिखाई दे रहा होगा रोटेट होता हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर को निकलना शुरू हो गया है। तो हम इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना है, फिर से स्टोरी 4 पे जाना है। तो स्टोरी 4 पे आने के बाद हमें फिर से पूरी स्लैब को, मतलब अपनी स्टोरी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे माइनस के 3.273। तो इसके बाद चलिए मैं इसको एक बार में कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ये टाइप ना करना पड़े। और इसमें हम हर बार अपनी स्टोरी को मल्टीप्लाई करना है। तो हम कितनी स्टोरी पे हैं इस बार, 4 पे। तो मैं यहाँ पे 4 पे मल्टीप्लाई करूँगा और फिर इसके बाद अप्लाई करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने इस पर मल्टीप्लाई किया और अप्लाई किया, तो ये हमारी रोटेट हो चुकी है। तो बस आपको वन बाई वन सभी स्टोरी को इसी तरीके से सेलेक्ट करते जाना है और इस तरीके से आप इसको रोटेट कर पाएंगे पूरी स्टोरी को। तो ये जो फाइनली हमारा ये कितने में हो जाएगा, 180 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। तो हमें फिर से इस बार हमें यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कंट्रोल सी कर लिया था पहले, तो अब मैं इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई दबा के, और फिर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो 5 क्यों, क्योंकि मैं स्टोरी 5 को रोटेट करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है, फिर अप्लाई करना है। तो आप लोग देखेंगे कि हमारी स्टोरी इस बार भी रोटेट हो चुकी है। तो इसी तरीके से फिर एरो पे बटन ऊपर की तरफ जाना है स्टोरी 6 पे। तो फिर उसके बाद हमें पेस्ट करनी है पुरानी वैल्यू और फिर मल्टीप्लाई लगाना है। लगाने के बाद आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको अप्लाई करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस बार मैंने ये सेलेक्ट नहीं की थी स्टोरी, तो इसलिए यहाँ पे एरर शो हो गया। तो हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और फिर से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये अपने आप रोटेट हो जाएगी। तो वन बाय वन मुझे इसी तरीके से सभी को रोटेट कर लेना है। Thank you.
तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मैंने अपनी 55 स्टोरी पूरी रेप्लिकेट कर ली है। तो इसके बाद अब हमें क्लोज करना है इसको। तो अब चलिए इसमें मैं आगे स्लैंटेड कॉलम को लगाने वाला हूँ, जो कि इसकी बाउंड्री से इस तरीके से जाएगा और ऊपर हमारा कनेक्टेड रहेगा। तो हमने पहले से इसका मटेरियल को डिफाइन कर लिया था स्लैंटेड वॉल का, मतलब कॉलम का। तो चलिए मैं स्लैंटेड वॉलम को इसको लगा लूँगा। तो आप लोग इसको रोटेट करके भी इस तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए पहले इसमें अपने कॉलम को पुट करते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें रोटेट करेंगे। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, अपने यहाँ पे इसमें आना है ड्रॉ बीम पे। तो ड्रॉ बीम एंड कॉलम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक टैब ओपन होगा। तो आप इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ से चेंज कर लेना, जैसे कि आपने अपने स्लैंटेड कॉलम के लिए जो भी आपने मटेरियल को डिफाइन किया है। तो मैंने यहाँ पे जो लिया था वो लिया था 700x700। तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ तो एज अ स्लैंटेड कॉलम। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपको इसके 3D फिगर को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। तो आपको इसके बाउंड्री पे इस तरीके से इसको लगाते जाना है, जिस तरीके से मैं अप्लाई करूँगा। तो आपको इस तरीके से इसका थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे ताकि अच्छे से विजिबल हो पाए। तो चलिए इसको मैंने रोटेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको जूम कर लिया है। तो जूम करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है बेस पे, फिर इसके बाद आपको 1x1 इस तरीके से सभी स्टोरी को सेलेक्ट करते जाना है। तो जैसे आप इस तरीके से सेलेक्ट करते जाओगे, हमारी स्लैंटेड कॉलम इस तरीके से बनता जाएगा। तो ये आपको प्रॉपर कनेक्ट करना है, नहीं तो ये एरर शो कर देगा और आपकी वार्निंग जनरेट करेगा। तो मतलब ये आपको इस तरीके का भी दिखाई नहीं देगा जैसे हम इस स्टोरी को बना रहे हैं। तो आपको 1x1 इसको रोटेट करते जाना है और क्लिक करते जाना है। तो देखिए अब हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा नीचे करना है। तो नीचे करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको सभी को इस तरीके से कनेक्ट करते जाना है। तो हमें इसी तरीके से इस पूरे कॉलम को टॉप लेवल तक ज्वाइन करना है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ ये लास्ट स्टोरी बची है, तो मैं इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और कमांड से बाहर जाएंगे हम। तो आप लोग देख सकते हैं मैं कमांड से आउट कर चुका हूँ, और मैंने ये जो स्लैंटेड कॉलम है ये बेस से टॉप लेवल तक इस तरीके से क्रिएट कर चुका हूँ। तो आप लोगों को ये अच्छे से विजिबल भी हो पा रहा होगा। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसी को 4 कॉर्नर पे, मतलब यहाँ पे और इस एंड पे, इन तीनों कॉर्नर पे हमें और लगाना है। तो हमें 1x1 इस तरीके से अब क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको रेप्लिकेट कर लेंगे डायरेक्ट। तो रेप्लिकेट करने से फ़ायदा क्या होगा कि हमें, जैसे हमने बनाया तो हमें बार बार इस तरीके से क्लिक नहीं करना है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी रेप्लिकेट कमांड से जाके आप इसी कॉलम को सभी जगह चारों तरफ कॉपी कर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे एडिट में आना है और रेप्लिकेट कमांड को यहाँ से ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे यहाँ से, तो इसके बाद आपको आना है यहाँ पे रेडियल में। तो रेडियल में आने के बाद अगर आपके पास स्पेसिफाई पॉइंट है, तो मैं स्पेसिफाई पॉइंट का यूज़ करने वाला हूँ। तो मुझे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जितने फिट आपकी डायरेक्शन है तो वो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो जो हमारी एक्स डायरेक्शन है वो कितनी है हमारी, 91 फिट। तो मैं यहाँ पे 91 फिट डाल दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको फिट डालने के बाद इसे बाहर क्लिक करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, या फिर अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट 27.7368 मीटर भी डाल सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट रो में आया तो अपने आप ये यहाँ पे शो हो गया। तो इसी तरीके से आप इसको डायरेक्ट कॉपी भी, मतलब कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं, या आप इसको मीटर में डाल सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट फिट में भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 91 फिट डाल देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे शो हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको एंगल पे रोटेट करना है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि भाई ये हमारी जो स्टोरी है वो रेक्टेंगुलर ही है एक तरीके से। तो हमें क्या करना है, ये हर एक कॉलम को मतलब 90 डिग्री पे रोटेट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डिलीट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे अनचेक कर लेना है, क्योंकि अगर हम इसको अनचेक नहीं करेंगे तो हमारा ये कॉलम डिलीट हो जाएगा और वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, कि हमें क्या करना है कि इसी को कॉपी करना है वहाँ पे और फिर इसको कॉपी करना है यहाँ पे। तो चलिए हम तीनों पे इस तरीके से लगाने वाले हैं 1x1। तो अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे 90 डिग्री डालना है, क्योंकि हमें 90 डिग्री पर रोटेशन चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के 90 डिग्री। तो जैसे आप यहाँ पे 90 डिग्री करके अप्लाई करोगे तो आपके पास, आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो
ये हमारा एकदम मतलब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ गया। तो मतलब इसका क्या है कि आपने अपना ये वाला जो बीम था, मतलब स्लैंटेड कॉलम था, सॉरी, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो स्लैंटेड कॉलम था ये आपने सेलेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए वार्निंग जनरेट हो गई। तो हमें अपना स्लैंटेड कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो आप इसको वन बाय वन इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो ये काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं आपको यहाँ से शॉर्टकट बता देता हूँ। आपको यहाँ पे जाना है सेलेक्ट में, और फिर सेलेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ से आना है प्रॉपर्टी में। तो जैसे आप प्रॉपर्टी में आओगे, आपको आना है फ्रेम सेक्शन में। तो मैं यहाँ से फ्रेम सेक्शन मैंने क्यों किया, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जो हमने डिफाइन किया था ये हमने फ्रेम सेक्शन से ही तो जाके किया था। तो ये वैसे भी हमारा किस में इंक्लूड होता है, फ्रेम सेक्शन में। तो हम इस कॉलम को यहाँ से जाके सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको पता है कि हमने कौन सा कॉलम सेलेक्ट किया है, मतलब यहाँ पे अप्लाई किया है 700x700। तो जैसे मैं इस पे आके सेलेक्ट करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। तो अब जैसे मैं इसको अप्लाई करने से पहले इस पे कर्सर लेके आऊंगा तो ये अपने आप शो करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये शो कर रहा है। तो मैं जैसे इस पे अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये अप्लाई हो चुका है। तो अभी हमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे अप्लाई हुआ है और यहाँ पे है। तो हमें इन दोनों कॉर्नर पे और इस स्लैंटेड कॉलम की नीड है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से अपने सिलेंटेड कॉलम को। तो आप लोग देख सकते हैं ये सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं फिर से आपको एक बार इस तरीके से सेलेक्ट करने के लिए कहूँगा। फिर इसके बाद आप इस फिर से जैसे अप्लाई करोगे, आपके लास्ट कॉर्नर पे भी ये सिलेंटेड कॉलम अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सिलेंटेड कॉलम चारों कॉर्नर पे हमारा सेलेक्ट हो चुका है, मतलब अप्लाई हो चुका है। तो हमें एक बार सिलेंटेड कॉलम बनाने के बाद बार बार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इजीली इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आप लोग इसको इस तरीके से रोटेट भी करके देख सकते हैं। तो चलिए अब बात आती है इसमें मैं सपोर्ट हमें किस तरीके से लगाना है। तो आप लोग इसको लगभग इसी तरीके का आप लोग देख पा रहे होंगे जिस तरीके का हमारा वो इमेज में ये दिखाई दे रहा था। तो इसको आप जैसे टॉप से करके देखोगे तो आपको इस तरीके का ये शो होने लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। तो चलिए मैं इसमें नीचे सपोर्ट लगा लेता हूँ। तो आपको इसकी सपोर्ट लगाने के लिए आपको इनके नीचे सपोर्ट को पहले सेलेक्ट करना होगा। तो अगर आप इस पे सपोर्ट नहीं लगाते हैं फिर भी ये अपने आप ऑटोमेटिक ये मतलब ई टैप्स में अपने आप सपोर्ट लग जाती है। तो चलिए फिर भी मैं इसमें सपोर्ट को यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो जो मैं यहाँ पे सपोर्ट लगाने वाला हूँ वो मैं लगाऊंगा यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट। तो चलिए तो आपको इस तरीके से सभी एंड को सेलेक्ट करना है। चलिए फिर आप लोग देख सकते हैं मैं इसको रोटेट करूंगा अब इस तरीके से। तो हमारा ये लास्ट लास्ट एंड बचा है तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सभी कॉर्नर को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हमें आना है असाइन में। असाइन में आने के बाद आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होता है जॉइंट का। तो जैसे आप जॉइंट पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रेस्टोरेंट्स का। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का एक सपोर्ट टैब खुल जाएगा। तो इसमें आप यहाँ से सपोर्ट लगा सकते हैं, तो फिक्स सपोर्ट भी लगा सकते हैं, आप पिन भी लगा सकते हैं, रोलर भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से अपनी फिक्स सपोर्ट को यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे अब आप यहाँ पे इसको अप्लाई करोगे आपके पास यहाँ पे जो सपोर्ट थी वो बन जाएगी। आप लोग देख सकते हैं ये सिंबल होता है इसमें फिक्स सपोर्ट का, तो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हम ओके करेंगे तो आप लोग इसको इस तरीके से सभी जगह सपोर्ट लगा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सभी एंड पे नीचे बेस में सपोर्ट लग चुकी है। तो चलिए अब अगर हमें इसका 3D व्यू देखना है तो मैं आपको इसका 3D व्यू दिखा देता हूँ। तो वैसे इसमें लगभग मतलब सारा जितना भी मॉडलिंग का वर्क था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको इसमें एक बार 3D व्यू और दिखा देता हूँ जब ताकि इसमें हर एक सेक्शन प्रॉपर वे में दिखाई दे। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, अपने एडिट टैब में आना है, सॉरी व्यू टैब में आना है। तो जैसे आप व्यू टैब में आओगे आपके पास यहाँ एक ऑप्शन ऑप्शन होता है सेट डिस्प्ले ऑप्शन के नाम से। तो आप यहाँ से जाके भी इसको ऑन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से जाके भी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से इसको ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने इसको ऑन किया आपके पास इस तरीके का एक टैब ओपन होगा। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट वाइज आप किसी भी तरह का मतलब इसका एक्सट्रूड फ्रेम करना है या फिर शेल करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई करना है। तो आप जैसे ही इसको अप्लाई करोगे आपके पास यहाँ पे इस तरीके की ये पोर्शन बन जाएगा। तो चलिए मैं इसको दोबारा करता हूँ एक बार। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट नहीं किया था। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट प्रॉपर्टी में आना है, और सेलेक्ट प्रॉपर्टी में आने के बाद आपको यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करना है और फिर अप्लाई करना है। तो जैसे आप अप्लाई करोगे आपके पास इस तरीके का
3D व्यू आना शुरू हो जाएगा, तो आप इसको बाय कलर भी देख सकते हैं। फिर चलिए मैं इसको बाय मटेरियल देखता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सेक्शन प्रॉपर्टी के हिसाब से चूज़ किया था। तो मुझे जैसे ही मटेरियल प्रॉपर्टी के हिसाब से करेंगे तो आपको इसका स्लैब का कलर और इन सब का कलर लगभग सेम मतलब डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगा। तो चलिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा स्लैब का कलर ये है, और ये जो इसने इसका जो मतलब ये जो बीम का कॉलम है, बीम का जो कलर है ये उसने येलो शो करा है और स्लैब का करा है ग्रे कलर। तो चलिए फिर मैं इसको एक्सट्रूड करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे हम एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका 3D व्यू शो होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मुझे क्या करना है, अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा मटेरियल प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे शो हो गई है। तो चलिए अगर हमें क्या करना है, ग्रुप वाइज इसको शो करना है, तो हमें यहाँ से एक्सट्रूड फ्रेम पे क्लिक करके रखना है और अप्लाई करना है। तो जैसे हम अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पे ग्रुप वाइज कलर ये शो करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरी स्ट्रक्चर जो था हमारा ये 3D व्यू में आ चुका है, मतलब 3D व्यू में भी है और प्लस ये येलो कलर का शो हो रहा है। तो बाय ग्रुप ये इस तरीके का हमारा मटेरियल शो होता है। तो आप लोग जैसे इसको जूम करोगे आप इसकी सेक्शन की जो डायमेंशन है मतलब उनको 3D में भी देख पाओगे। तो चलिए मैं इसको अच्छे से जूम करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे आप इसको जूम करोगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो स्लेंटेड कॉलम था उसका साइज भी शो हो रहा है और यहाँ पे इसकी स्लैब का भी शो हो रहा है। तो चलिए मैं इसको आपको फ्रेम डिज़ाइन टाइप में जाऊँगा, तो जैसे हम इस पर जाके अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे कॉलम किस तरीके के थे, रेक्टेंगुलर, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शो हो रहा है, और ये जो हमारा ये था बीम तो ये भी हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, और ये स्लैब भी यहाँ पे हमारी शो हो रही है। तो मैं जैसे इसको जूम आउट करूँगा जैसे पहली शेप में था ये इस तरीके की शेप रीगेन कर लेगा। तो चलिए अगर मान लीजिए हमें इसका और कोई कलर देखना है यहाँ से, तो मैं यहाँ से जाऊँगा फ्रेम डिज़ाइन मतलब यहाँ से सेलेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ से ब्लैक एंड वाइट कलर भी चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप अप्लाई करोगे आपके पास यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर शो हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप मान लीजिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप इस पर एक्सट्रूड पर जाके फ्रेम को और सेल को बंद कर देंगे तो आपको आपके पास सिर्फ कलर शो होंगे, लेकिन ये मतलब इस जो 3D सेक्शन शो हो रहे हैं हमारे कॉलम और स्लैब के, ये शो नहीं होंगे। तो आप लोग देख लीजिए जैसे मैंने इसको अप्लाई किया तो ये मटेरियल जो इस पर हमने लगाया था वो हमारा हाइड हो चुका है और बाकी जो इसमें जो कलर थे वो हमारे शो हो रहे हैं। तो अगर आपको इसको एक्सट्रूड व्यू भी देखना है तो आपको यहाँ पे इन दोनों को चेक मार्क रखना है, और उसके बाद आप इसको जैसे अप्लाई करोगे आपके इसके एक्सट्रूड व्यू आ जाएंगे, मतलब मटेरियल आपके दिखाई देने लग जाएगा। तो अगर आपको बस इसके कलर देखने हैं तो आप इनको अनचेक करना, तो सिंपल यही मेथड है। तो चलिए कलर प्रिंट में आके मैं इसका आपको कलर दिखा देता हूँ। तो ब्लैक एंड व्हाइट में आपके पास इस तरह की फोटो आई है, और जो कलर है वो आपका इस तरीके का आएगा, ये ब्लू कलर और ये ग्रे कलर। तो चलिए इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, स्टोरी वाइज देखना है तो हम स्टोरी वाइज भी देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, हमारे डिफरेंट हर एक स्टोरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करके ये दिखा देगा। तो आप लोग यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं, तो मैं इसको रोटेट करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल हो। तो आप लोग इस तरीके से किसी भी मतलब स्ट्रक्चर को बाय कलर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से और दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से लगे। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में इतना ही था, और मैं जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें बताऊँगा कि हम इस स्ट्रक्चर के लिए किस तरीके से हम इस पे लोड को अप्लाई करने वाले हैं इस स्ट्रक्चर पे, और किस तरीके से हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर इस तरीके की वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए थैंक यू।